और चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। देखिए दिल्ली में बारिश के बाद कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है और आज दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी इसकी वजह से बहुत कम है जिसकी वजह से लोग भी बेहद परेशान दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भीषण कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। और देखिए जो अनुमान था कि मौसम में परिवर्तन होगा जनवरी के आखिरी समय में, उसी तरीके से बिल्कुल मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। अजातिका मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। अजातिका, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अब हम देखें तो ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी लगातार, और मैदानी इलाकों की बात की जाए तो कोहरे की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर तेज़ बारिश हो रही है जिसका असर राजधानी दिल्ली पर भी देखने को मिल रहा है। आपको मेरे पीछे जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहीं से मैंने कल रिपोर्ट करी थी, और दर्शकों को बताऊं तस्वीरें कल बेहद साफ नज़र आ रही थी क्योंकि इंडिया गेट आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन आप देखिए कोहरा इतना ज़्यादा है कि इंडिया गेट को देख पाना आपकी आँखों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। विजिबिलिटी यहाँ की बात करें तो ज़ीरो है, कई सारे इलाकों में शून्य तक पहुँच गई है विजिबिलिटी। वहीं दिल्ली के बाहरी इलाकों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर तक है, यानी कि बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बीते दिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो विजिबिलिटी साफ थी, कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को वाहन चलाने में, लेकिन अब कोहरे के कारण एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे वाहन सुबह हो जाने के बावजूद अपनी पार्किंग लाइट्स, डिपर्स, हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक एडवाइजरी भी कहती है ओवर ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग ना करें, ओवरटेक ना करें, उन सभी तमाम हिदायतों का ध्यान रख रहे हैं। वहीं देखिए न्यूनतम तापमान की भी बात करें तो उसमें भी गिरावट हुई है। बीते दिन 13 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच गया था, लोगों को लग रहा था कि अब शायद ठंड से राहत मिल गई है, लेकिन अब सीधे घटकर 7 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान पहुंच गया है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है, बीते दिन 21 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था जो आज घटकर 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं आगे आने वाला जो हफ्ता है, आपको बता दें, दर्शकों को बता दें जो इस वक्त हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं कि फिलहाल आपको सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, मौसम विभाग का भी अनुमान यही है, 3 और 4 तारीख को भी बारिश हो सकती है, इस तरीके के अनुमान है। आजादी का बहुत शुक्रिया। ABP News आपको रखे आगे।